प्रिकॉल लिमिटेड जैगुआर सेंट्रल लॉक सिस्टम किट, ये आपको 3 ईयर वारंटी के साथ में देखने को मिलती है। ये हम लोग भैया क्या लगा रहे हैं, सेंट्रल लॉक लगा रहे हैं। हाँ, सेंट्रल लॉक। ठीक है, ये आपके हाथ में क्या है भैया अभी? ये वाली, ये 5 वायर वाली गन है। ये 5 वायर वाली ये गन है। ठीक है, तो उसको अपन ये वाले मेन डोर में लगाते हैं, जैसे ये ड्राइवर साइड रहता है, ड्राइवर साइड में हम 5 वायर वाली मेन गन लगाते हैं। हाँ ठीक है, ये 5 वायर वाली, 5 वायर वाली हम लोगों ने यहाँ पर इंस्टॉल कर दी। जी ठीक है। बस खाली ये है। हाँ, मैनुअल है ये, मैनुअल वाला है। हाँ ठीक है, तो इसको कनेक्ट करने के लिए अपन को ये वाली ये रॉड लेंगे अपन। हाँ, ये वाली रॉड को हम मैनुअल्स के साथ में कनेक्ट कर देते हैं। हाँ, और ये जो हम लोग ने मोटर गन लगाई है। हाँ, वो उसको ऊपर नीचे करता है। हाँ, उसको ये ऊपर नीचे करेगा। चलिए, तो हम लोग ने ये मैनुअल में हम लोग ने गन को इस रॉड के थ्रू कनेक्ट कर दिया है। जी, और कनेक्ट करने के बाद में अब ये गन इसको सेंट्रल लॉक मतलब ऑटोमेटिक कर देगा। हाँ, ऑटोमेटिक कर देगा। ये देखिए, ये अटैच हो गया है। हाँ, मैनुअल के साथ में हम लोग इस गन को रॉड के थ्रू अटैच कर दिया है। ये देखिए, अब जो ये गन ऐसे चलेगी, अंदर बताइए, ये गन ऊपर नीचे करेगी। हाँ, है ना, ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक हो जाएगा। आप भी नहीं है ये ड्राइवर साइड फ्रंट राइट गेट का हम लोग ने अभी सेंट्रल लॉक गन लगाई हुई है। ओके ठीक है भैया, अब ये हम लोग वायर का कनेक्शन इसमें कर रहे हैं गन के साथ में। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं 5 वायर जो है गन के साथ में लगे हुए हैं। तो ये सब में पहला जो ग्रीन कलर का वायर है, किसकी लॉक अनलॉक करने के लिए ग्रीन कलर का वायर हम लोग अटैच किया है। और इसके बाद में ये अपना ये लॉक वाला वायर, लॉक वाला वायर ब्लू कलर में जो आपको देखने को मिल रहा है ना। ठीक है, इसके बाद में ये वाला जो ये व्हाइट कलर का ब्राउन कलर का वायर, ये ब्लैक में जाएगा, ब्लैक में ही लगता है। मतलब ये किस काम में आता है ये ब्राउन कलर वाला? ये वाला अपना उसका करता है, क्या नाम, मैनुअल चलाने के, मैनुअल चलाने के लिए भी रहता है। ठीक है, और ये जो व्हाइट वाला वायर है भैया, ये वाला अर्थिंग का, ये अर्थिंग के लिए होता है ना। व्हाइट वाला वायर अर्थिंग के लिए होता है। सारे वायर्स हम लोग ने कनेक्ट कर दिए हैं। हाँ, अभी एक वर्क करने लगेगा ना। ये हम लोग अभी कौन सा डोर देख रहे हैं, ड्राइवर साइड का बैक साइड का राइट वाला है ना डोर, राइट वाला। ठीक है, राइट वाले डोर में अब हम लोग गन को इंस्टॉल कर रहे हैं। ये गन 2 वायर वाली है, 2 वायर गन है। हाँ, भैया इसमें आप बताएंगे मुझे ये 5 वायर और 2 वायर में क्या डिफरेंस होता है? क्योंकि मेन गेट से 5 वाली जो वायर वाली गन जो है ये सबको कंट्रोल करती। अच्छा, है तीनों गेटों, ड्राइवर साइड की जो गन रहती है उसमें 5 वायर रहती हैं और वो सारे चारों गेट को कंट्रोल करती, कंट्रोल करती है। इसमें 5 वायर लगे हुए, 5 वायर और बाकी बैक साइड में 2 वायर गन का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब कि बाकी जो ये लॉक और ये अनलॉक का रहता है। अच्छा, ब्लू वाला आपका अनलॉक के लिए और ग्रीन वाला, ये ग्रीन वाला अनलॉक है और ये लॉक है। अच्छा, ब्लू वाला लॉक के लिए है और ग्रीन वाला अनलॉक के लिए। ठीक है, अभी हम लोग इसको इंस्टॉल कर रहे हैं ना। ठीक है, जो ये रहता है इसके लिए भी जो ये मैनुअल रहता है, ये मैनुअल वाला है। हाँ, ये देखिए यहाँ पे। ठीक है, ये मैनुअल वाला था आपका, यहाँ से लीजिए, ये यहाँ से यहाँ पर ये रॉड गई हुई है ना। हाँ, ये रॉड, ये जो रॉड जो आपको दिख रही है मैनुअल वाली थी। हाँ ठीक है, और अपन आप, इसके लिए भी ये अपन ये रॉड को गन में हम लोग ने कनेक्ट किया और इस मैनुअल वाली रॉड के साथ में इसको अटैच कर दिया। जी ठीक है, ये आपको जो दिख रही है रॉड, इसकी हेल्प के थ्रू हम लोगों ने मैनुअल वाले में इसको कनेक्ट कर दिया। ये देखिए, ये ऊपर नीचे हम लोग ने किया, तो अब ये गन इसका काम करेगी ना, सेंट्रल काम करेगी। ठीक है, जो अब ये पूरे डोर को ऑपरेट करेगा, ये पूरे डोर को आप ही ऑपरेट करेगा ये गन। हाँ ठीक है, इसका जो हम लोग कनेक्शन करेंगे तो ये अब, हाँ ये मेन डोर से, देखा ना, ठीक है, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। हाँ, अभी हम लोग बैक साइड का डोर को ओपन कर रहे हैं और इसमें
लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड डोर में हम लोग ओपन कर रहे हैं और इसमें भी अभी हम इंस्टॉल करेंगे गन को। ठीक है भैया, ये आपने क्या लगाया है ये सेंट्रल लॉक का? ये सायरन लगा हुआ है, ये इसे हम लोग सायरन बोलते हैं। ठीक है, जब हम लॉक करते हैं तो जो आवाज आती है वो इसी से आती है जी? अनलॉक और लॉकिंग पे दोनों पे यही आवाज करती है। अनलॉक और लॉक पे दोनों में ये सायरन से आवाज आएगी जी, और रिवर्स पे भी इसी सायरन से आवाज आएगी। रिवर्स अगर हम लेते हैं गाड़ी को तो उससे भी इसी में आवाज आएगी। ठीक है, इसका आप कनेक्शन कैसे कर रहे हैं जी? कनेक्शन ये इस तरह से कर रहे हैं, देखिएगा। ये क्या कहलाता है भैया? ये फ्यूज बॉक्स है। अगर कोई वायरिंग के अंदर फॉल्ट होती है तो फ्यूज उड़ जाएगा और आगे तक करंट नहीं जाएगा। अच्छा, जिससे पूरी वायरिंग पे तो ये हम लोग प्रोटेक्शन के लिए दे रहे हैं ना जी? ये प्रोटेक्शन के लिए, अगर कभी लोड आता है तो आपकी पूरी वायरिंग नहीं जलेगी? नहीं जलेगी, सिर्फ फ्यूज उड़ेगा। इस तरह से फ्यूज रहता है, फ्यूज उड़ेगा, सिर्फ फ्यूज उड़ जाएगा, बाकी आपकी वायरिंग पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और आपकी गाड़ी एकदम सही रहेगी। ठीक है, तो इसको हम लोग इंस्टॉल कर रहे हैं ना? ठीक है, अभी हम लोग ये फ्यूज वायर को इंस्टॉल कर रहे हैं जी। ये इस तरह से ये प्लस पे जाएगा। ये वाला हम लोग ने कहा दिया बैटरी के प्लस प्लस पॉइंट पे हम लोग ने दे दिया। ये रेड कलर वाला जो है, रेड कलर वाला वायर बैटरी के प्लस पॉइंट पे दे दिया हम लोगों ने। बंद कर दी हम लोग बैटरी के माइनस पॉइंट पे हम लोग ने कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट कर रहा है ब्लैक कलर वाला वायर बैटरी के माइनस पॉइंट पे हम लोग इसे कनेक्ट कर रहे हैं। ये ब्लैक वायर, रेड वाला प्लस के लिए और ब्लैक वाला माइनस के लिए, और ये सायरन का इस्तेमाल किया जाए। ठीक है, ये क्या कहलाता है भैया? ये ना सायरन के लिए सॉकेट है। सायरन के लिए हम लोग ने एक सॉकेट का इस्तेमाल किया है। ठीक है, सॉकेट टू सॉकेट होता है, सॉकेट टू सॉकेट आपने कनेक्ट कर दिया। और इसकी वायरिंग हम लोग ने अंडरग्राउंड लिए, जैसे आप ये देख रहे हैं ब्लैक कलर और ग्रीन कलर के जो वायर है, ये वायर अंदर जाके कनेक्ट होते हैं और इसको डायरेक्ट बैटरी के साथ में कनेक्ट किया है। ये हम लोगों ने बैक साइड के लेफ्ट डोर में भी गन को इंस्टॉल कर दिया है और इसमें भी हम लोगों ने टू वायर वाली गन का इस्तेमाल किया है और इसको भी मैनुअल रॉड के साथ में कनेक्ट कर दिया है। अब ये मैनुअल के साथ साथ ऑटोमेटिकली भी काम करेगा। ये फ्रंट लेफ्ट डोर में भी हम लोग अब गन को इंस्टॉल कर रहे हैं। ये भी टू वायर गन होती है, इसमें भी इंस्टॉल होता है टू वायर। अच्छा, ये हम लोग ने इस गन को भी इंस्टॉल कर दिया है और ये भी अब कनेक्ट हो गई है। हाँ, ये है हमारे पास में अभी गन की वायर है ना, गन वायर है और ये जो जो डोर में डलेगी, यहाँ से ये डोर में डलेगी और डलने के बाद में ये कनेक्ट होगा है ना। तो इस वायर को अभी ये इसके पॉइंट, इसके पॉइंट जो ग्रीन वाला पॉइंट है उसे हम लोग कनेक्ट कर दिया। ये लॉक और अनलॉक पॉइंट ये कहलाते हैं ये, और ये वायर्स को अभी हम लोग इसके अंदर डोर के अंदर हम लोग क्या करने वाले, कनेक्ट करने वाले हैं। कनेक्शन के लिए हम लोग वायर को अंडरग्राउंड कर रहे हैं ताकि ये दिखे नहीं। ये यहाँ से, ये यहाँ से कंपनी की रबर आती है, ये कंपनी की जो रबर है इसके अंदर हम वायर को अंडरग्राउंड करेंगे। हाँ, और करने के बाद वायर बाहर रहेगा तो कटेगा नहीं अंदर। अच्छा, तो ये वायर को हम लोग अंडरग्राउंड कर रहे हैं कनेक्शन देने के लिए हमारी गन में। हाँ, वायर को अभी हम लोगों ने इस रबर के अंदर से निकाल लिया है, अब इसे हम लोग डोर के अंदर से कनेक्शन देंगे। लोगों ने इस वायर को अंदर अंडरग्राउंड कर दिया है। ये वायर को हम लोगों ने नीचे से अंदर से लिया है, अब इसको गन पॉइंट तक लेकर जाएंगे और कनेक्ट कर देंगे। वायर्स को हम लोग अंडरग्राउंड कर रहे हैं और इसको अभी हम लोग ये अनलॉक, ग्रीन वाला अनलॉक, ये ग्रीन वाला अनलॉक हो गया, ये ब्लू वाला लॉक लॉक हो गया। चलिए, ये कनेक्शन हम लोग ने कर दिए है ना, गन के कनेक्शन हम लोग ने कर दिए। ये जो वायरिंग थी इसको हम लोगों ने पूरा अंडरग्राउंड इसके अंदर गन के साथ में कनेक्ट कर दिया है। अब इसकी वायरिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अभी जो गन में फिटिंग करी है तो ये मैं अभी से अनलॉक कर रहा हूँ।
अनलॉक करने के बाद में ये लॉक कर रहा हूँ, तो ये ऑटोमेटिकली हो रहा है। आप देखिए लॉक अनलॉक, गन मतलब प्रॉपर वर्क कर रही है। लॉक अनलॉक, लॉक अनलॉक, लॉक अनलॉक। तो ये आपका सेंट्रल लॉक इस तरीके से वर्क करता है। साउंड के लिए ये दिया हुआ है, ये बंद हो गया, ये अनलॉक कर लिया आपने और ये आपने लॉक कर लिया। और इसके साथ में हम लोगों ने जो सायरन लगाया था वो उसकी भी आवाज आपको सुनने को मिल रही होगी। इसकी अंडरग्राउंड ये इंडिकेटर के हैं, ये इंडिकेटर की दो वायरिंग है ब्लू कलर की, ये अपना रिवर्स 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 के लिए वायरिंग हो गई जी। ये फुल इग्निशन है, फुल है। ये सारी वायरिंग हम लोगों ने नई वायरिंग डाली जी, 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 और इसमें कोई भी वायर वगैरह हम लोगों ने कट नहीं किया है, पूरा का पूरा नया वायर इसमें हम लोगों ने इंस्टॉल किया, कपलर टू कपलर किया जिसमें हमको वायर को कट करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो ये सारे माइंड, ये क्या होता है हमारा, इसका माइंड रहता है। अच्छा, ये माइंड रहता है। अच्छा, ब्रेन बोलते हैं, जैसे ब्रेन ब्रेन बोलते हैं, या फिर हम उसको रिले बोलते हैं क्या जी? रिले बोल सकते, रिले रिले बोलते हैं ना, जो पर्टिकुलरली आपके ये रिमोट को चलाने का काम करता है। ये जो आपका रिमोट है लॉक अनलॉक करने के लिए ये रिले को आपको फिट करना होता है, ये रिले ही इंडिकेट करता है लॉक अनलॉक को। सेंटर लॉक इस गेट में कंप्लीट कर दिया, ये अपन ये लॉक करेंगे। ठीक है, अभी लॉक कीजिए, अपन ने लॉक, ये लॉक कर दिया है, ये अभी गेट नहीं खुल रहा है। ठीक है, अनलॉक कीजिए, अनलॉक किया ये गेट खुल गया, फिर बंद कीजिए, फिर से लॉक कीजिए, ये लॉक कर दिया, ये गेट आपका बंद हो गया। तो इस तरीके से आपका सेंटर लॉक वर्क करता है।